इतना हो गया यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गया मैं। हाँ सर, थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, अब वीडियो ऑडियो सही आ रही है। शुरुआत में ही अटक गया यार याद तो। अटेंडेंस ठीक है, सब जुड़ जाइए। सॉरी यार, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन वीक होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया यार, क्या करूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं सब कुछ स्मूथ लाने की, बट लिटिल बिट प्रॉब्लम हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सो सॉरी दोस्तों। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि चीज़ें गड़बड़ाएं नहीं, सब कुछ स्मूथ तरीके से चले, पर क्या करें यार, घर पे थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का मामला वीक है, पर मैं आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होने नहीं दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, थैंक यू आयुष समझने के लिए मेरी बात, है ना। नमस्कार सभी को, नमस्कार। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूँ बच्चों कि क्लेडन की किताब को अगर हमें पढ़ना है तो हम इसे किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, जब मैं भी यार अपने ग्रेजुएशन के दिनों में था, तो जब भी आप कभी भी किसी ऑर्गेनिक टीचर के पास जाते हो और आप उनसे कहते हो कि सर मुझे ना ऑर्गेनिक सीखनी है और मुझे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक पढ़ना है, मुझे कोई किताब का नाम जरा बताइए, तो सबसे पहले वो टीचर आपको क्या बोलेगा पता है? आप हमेशा, या मुझसे भी कोई टीचर, जब मैं भी पढ़ाता था दिल्ली में, तो मुझसे भी कोई बच्चा पूछता था कि सर कैसे हम लोग ऑर्गेनिक को सीखेंगे, तो मैं भी एक ही जवाब देता था कि हाँ, क्लेडन को पढ़ लेना ना, क्लेडन को पढ़ते ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर बच्चा पता है मेरे पास आता था, बोलता सर क्लेडन को पढ़ने के लिए आपने तो बोल दिया, लेकिन क्लेडन को जब पढ़े तो देर इज अ लॉट्स ऑफ चैप्टर, यानी आप देखे होंगे कि क्लेडन के चार चैप्टर्स हैं, सॉरी चार नहीं, देर विल बी अ लॉट ऑफ चैप्टर, यानी 55 चैप्टर्स आर देयर, और हाँ तो चैप्टर्स है, तो हमें उनको किस तरीके से पढ़ें सर, क्योंकि सीक्वेंस वाइज नहीं है। तो उसी के लिए मैं भी परेशान हो जाता था, बच्चों को हमेशा बताता था कि बच्चों एक काम करो, इस तरीके से चैप्टर को पढ़ो। और जब मैंने ऐप शुरू किया और जब मैंने वीडियो डालने भी शुरू किए, तो सब लोगों को परेशानी आई कि सर आप क्लेडन का चैप्टर तो बता देते हो, लेकिन हम उसको पढ़ें कैसे, इसके बारे में जरा बताइए। तो ये टॉपिक आज उसी के चीज के लिए है कि कोई भी बच्चा जब शुरुआत करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और उसके किसी बुक की जरूरत पड़ती है, तो सबके जुबान पे होता है क्लेडन। और मैं भी चाहता हूँ, हाँ क्लेडन की किताब अच्छी है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम बीएससी लेवल में होते हैं ना बच्चों, बीएससी लेवल में, तो पहले एक बात समझो, बीएससी लेवल में जनरली दो किताबों को प्रिफर किया जाता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो एक ब्रूस की किताब होती है, पोला यूकिन ब्रूस उसका नाम है, एंड द सेकेंड बुक इज क्लेडन, है ना बच्चों। तो ये दो किताबें हैं जो सबके जहन में होती हैं और हर लोग इसी को प्रिफर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें हमें सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। पर पहले मैं आपको बताऊं, क्लेडन को पढ़ाने से पहले ब्रूस और की किताब क्लेडन को बहुत हद तक कॉम्पिटिटिव देती है, कब, जब केवल हम बीएससी लेवल की बात करें। तो ये बात दिमाग में नोट करिए कि जब हम केवल बीएससी लेवल की बात करते हैं ना, ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं, तब क्लेडन की किताब को टक्कर देता है कौन, पोला यूकिन ब्रूस। पर क्लेडन इससे कई गुना तेज है, क्योंकि ब्रूस की जो किताब होती है ना बच्चों, क्योंकि लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर ब्रूस की किताब है और क्लेडन की किताब है, दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं यही कहूंगा कि जब हम बीएससी लेवल की बात करते हैं दोस्तों, तो बीएससी लेवल के लिए ब्रूस क्लेडन दोनों हम लोग कह सकते हैं कि बराबर की बातें करता है ना। लेकिन मास्टर लेवल में जब हम जाते हैं तो ब्रूस का कोई काम नहीं होता, ब्रूस बिल्कुल बोल देता, हाथ खड़े कर देता है, भैया इतना औकात हमारे को नहीं है। लेकिन क्लेडन बीएससी के बाद भी चलता रहता है एमएससी के लिए। तो सोचो ना कि अगर हम पहले ब्रूस पढ़ें फिर क्लेडन पे स्विच करें, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बोलते हैं ना। लेकिन अगर हम क्लेडन को लेकर के ही चल रहे हैं और फिर बीएससी से एमएससी को कनेक्ट करेंगे ना, तो बहुत धमाकेदार चीजें होती हैं। इसीलिए क्लेडन की किताब बीएससी और एमएससी दोनों को कनेक्ट करती है, इसीलिए मैं कहूंगा कि ब्रूस किताब से बेहतर है आप क्लेडन की बुक को फॉलो करो, क्योंकि क्लेडन की जो बुक है ना बच्चों, वो हमें इन दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, पर ब्रूस नहीं कर पाता। इसलिए पहला जो डाउट बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ब्रूस पढ़ें या क्लेडन पढ़ें, तो मैं कहूंगा आप क्लेडन को पढ़ो, क्योंकि बीएससी के बाद एमएससी तो करनी है ना यार, तो क्यों ना हम आज से ही आदत डाल दें। अगर मैं क्लेडन की ही आदत डालूंगा तो आके एमएससी में भी वो हमारे काम आएगा, यही ना, ठीक है, समझ गए मेरी बात को।
फाइन, अब एक बात समझो कि मैं क्लेडन की बुक को अगर कहें पढ़ने के लिए आपको बोलूं तो क्लेडन की शुरुआत हम कैसे करेंगे? तो जो जो मैंने टॉपिक आज तक आपको ऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए बताए हैं, पूरी क्लेडन में जो ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए मैंने बताया है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, एक पॉइंट में देख लेता हूँ, रुक जाइए। अब सब कुछ क्लियर आ रहा है ना बच्चों, एक बार मुझे बता दीजिए, है ना, प्लीज़, बिकॉज ओके फाइन। चलिए, तो मैंने आपको बच्चों बताया है कि भैया ऑर्गेनिक पढ़ने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जीओसी से शुरुआत करना, है ना। तो अगर एक ही बुक में हमें सब कुछ मिल जाए तो बेहतर है कि नहीं, ये बताओ। बहुत तरीके की बुक, हाँ ठीक है, ओके ओके, ऑल क्लियर, क्योंकि मुझे डाउट होता है यार, भरोसा उठ गया है, फिर कोशिश कर रहा हूँ। यस, ऑल क्लियर, ऑल के, ओके, गुड गुड, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, मैं ये कह रहा था कि अगर बच्चों की मैं अगर ये बोलूँ कि एक ही किताब में अगर सारी चीज़ें हों तो कितना अच्छा है ना। तो क्लेडन में सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो कैसे उनको फाइंड आउट करना है वो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, जो मैंने कल टॉपिक आप लोगों को बताया था कि जीओसी इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शंस, रिएजेंट, पेरीसाइक्लिक, हेटरोसाइक्लिक, बायोमोलिक्यूल्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग इज देयर इन क्लेडन, ठीक है। तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो मैं आपको टॉपिक लिख रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक लिख रहा हूँ और उस टॉपिक के बगल में उस चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वो किताब जो आपके पास होनी चाहिए, जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, वो ओल्ड बुक ऑफ क्लेडन होनी चाहिए। तो पहले बात समझ लीजिए, ओल्ड क्लेडन होनी चाहिए, ऑल क्लेडन होनी चाहिए जिसमें फोर राइटर्स थे, ठीक है, फोर राइटर्स वाली किताब आपके पास होनी चाहिए। और अभी जो किताब आ रही है ना, न्यू क्लेडन आ रही है, न्यू क्लेडन जो आ रही है वो क्लेडन में थ्री ऑथर्स हैं, थ्री राइटर्स हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले आपके पास जो क्लेडन होनी चाहिए वो क्लेडन आपके पास ओल्ड क्लेडन होनी चाहिए, वो बेहतर है न्यू क्लेडन से, क्योंकि उसमें ऑथरशिप एक की नहीं है न्यू क्लेडन में, तो इसकी वजह से होगा क्या, ठीक है। हाँ, ओल्ड क्लेडन अमेजन पर भी नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ऑथरशिप चली गई तो क्लेडन पुरानी नहीं मिलेगी, नई ही मिलेगी। पर मेरे हिसाब से आप, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ऐप जो बनाया ना, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बहुत सारी किताबें डाल रखी हैं, मतलब डालूंगा अभी, है ना, मैं बताऊंगा उसको कि आपको सारी बुक मैं अवेलेबल कराऊंगा ना, चिंता क्यों करते हो। एवरीथिंग, जितनी भी ऑर्गेनिक की किताब आपको पढ़नी चाहिए वो सारे को सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा मैं, सब कुछ अवेलेबल रहेगा आपके लिए, चिंता नहीं करना, ठीक है। मैं अवेलेबल भी कराऊंगा, जरूरत पड़े तो सारे टॉपिकों के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल कराऊंगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। पर सुनो, अभी मैं ओल्ड क्लेडन की बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के पास ओल्ड क्लेडन की पीडीएफ होगी, है ना, ओल्ड क्लेडन की पीडीएफ होगी, और जो बच्चों के पास न्यू क्लेडन है ना, उसको थोड़ा सा क्या करना है, मेरी बातों को ढंग से सुनना है, क्योंकि मैं ओल्ड क्लेडन की बुक के बारे में बताऊंगा, तुम्हें उसको मैच करना है न्यू क्लेडन से, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है। तो मैं आपको रेफरेंस बुक जो है वो ओल्ड क्लेडन के बारे में बता रहा हूं, जिसमें फोर ऑथरशिप है, फाइन बच्चों। इसलिए हाँ, ओल्ड क्लेडन में चैप्टर भी ज्यादा है, डेफिनेटली ओल्ड क्लेडन में कंटेंट ज्यादा है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा बच्चों की ना, ओल्ड क्लेडन को प्रीफर करो, ठीक है। अगर न्यू क्लेडन है, आप पीडीएफ लैपटॉप से नहीं पढ़ पाते हैं, फोन से नहीं पढ़ पाते हैं ना, तब आपको न्यू क्लेडन पे जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ पाते हो, लैपटॉप से पढ़ पाते हो या फोन से पढ़ पाते हो ना, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, आपको बुक ओल्ड क्लेडन फॉलो करनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, जिसके पास पुरानी बुक नहीं है, नई बुक भी है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, उसको मैं टॉपिक बताऊंगा, उसको तुम्हें फॉलो करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई मुझसे कहता है कि सर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पढ़नी है, शुरुआत जी से होगी, तो अगर मुझे बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, देखो एक-एक टॉपिक में लिखूंगा, आपको उसको कॉपी कलम निकाल के नोट करते जाना है, तभी मजा आएगा ना यार, तभी मुझे लगेगा कि मेरी जो मेहनत है वो आप तक अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है, है ना, समझ गए मेरी बात को। तो देखो, इसलिए मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से काफ़ी देर तक मेहनत करी है और सब कंटेंट को इकट्ठा किया है कि भाई बच्चों को बिल्कुल गलत तरीके से होना चाहिए, ठीक है, जो मुझे समझ में आया है। देखो बच्चों, जब हम जीओसी पढ़ने के लिए जाएंगे तो जीओसी में क्लेडन में जो जो चीज़ें हैं जो आपको शुरुआत में करनी चाहिए वो क्या है, देखना इधर, आपको चैप्टर नंबर 7 पे जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 7, नोट इट डाउन, शुरुआत आपको चैप्टर 7 से करनी पड़ेगी, जिसका नाम है डीलोकलाइजेशन, नोट करो इसको, डीलोकलाइजेशन जिसके पास बुक है वो चैप्टर नंबर नोट करो, ओल्ड वाले, डीलोकलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन, ठीक है बच्चों, डीलोकलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो जो बच्चे पुरानी किताब नहीं रखते, नई किताब रखते हैं, वो चैप्टर से चले जाएंगे, आप इस पे फोकस मत करिएगा,
है ना बच्चों, जो बच्चों पुरानी किताब है जिसके पास वो तो चैप्टर नंबर उनके लिए सही होगा, जिन बच्चों के लिए नई किताब है वो इस पे जाएंगे, ये टॉपिक पे जाएंगे, फाइन, और आप उनसे मर्ज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। जो मैं बताऊंगा आपको न्यू क्लेडन में मिलेगी, बट न्यू क्लेडन के लिए आपको इस पे फोकस करना होगा, फाइन। तो चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 जो है ना, दीज आर द टू चैप्टर्स इन विच जनरल ऑर्गेनिक यानी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कवर्ड, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और सेकंड, इस चैप्टर का नाम है, देखो बच्चों, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड पीकेए। क्या बात समझ पाए आप लोग? तो जीओसी में देखो जो वो चीजें आप लोगों को पढ़नी होती है ना, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। बट इसमें ना जो पहला चैप्टर है डिलोकलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन, ये आपको लीड करेगा क्या, वो मैं भी आपको बता देता हूं। इससे आप क्या पढ़ पाओगे, इसमें आप एरोमेटिसिटी को अच्छे से समझ पाओगे, एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आप इसमें ढंग से पढ़िएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है बच्चों। एरोमेटिसिटी के बारे में आपको ढंग से दिया गया है, बिल्कुल मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझाया गया है, बहुत मजा आएगा इसमें। और मेरा भी जो जीओसी चलेगा वो क्लेडन को काफी हद तक फॉलो करेगा, इसलिए आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइन बच्चों। सिमिलरली एसिड बेस केमिस्ट्री आपको बहुत मदद करेगा एसिडिटी, बेसिसिटी और पीके वैल्यू को समझने में, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जिससे सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं ना, उनके बारे में ये बहुत तरीके से समझाता है, इसलिए मुझे भी ये बहुत पसंद है। मैं भी बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करता हूं, अभी भी मैं लगा हुआ हूं, मैं भी एज अ रीडर इसमें काम कर रहा हूं। तो एसिडिटी एंड बेसिसिटी ये जो चैप्टर है ये आपकी जीओसी में मदद करेगा, पर प्रॉब्लम छोटी सी ये है, इसमें आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट का रोल है ना, ये थोड़ा कम मिलेगा, तो इस पे थोड़ा सा आपको काम करना होगा। तो एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में आपको इनके चैप्टरों में आपको मौका मिलेगा। तो ये कहानी हो जाएगी किसकी बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर क्या होता है आप ही बताओ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, डेफिनेटली। तो पहले इसको नोट करो, दिस इज अ चैप्टर नंबर 8, दिस इज चैप्टर नंबर 7, नोट कर लिया इसको, नोट करते चलना बच्चों, है ना, मदद मिलेगी आपको, ठीक है। पता है जब मैं भी ग्रेजुएशन में था तो मैंने कभी क्लेडन पढ़ी ही नहीं, और मैं भी अपने गुरुजी के पास यही सवाल लेके गया था कि सर जी बताओ ना यार ऑर्गेनिक पढ़नी कैसे है, तो उन्होंने बता दिया सर क्लेडन। देन आफ्टर मैं सोचा भैया ठीक है, मैं भी देखा तो इतनी मोटी किताब लाइब्रेरी से उठा के लाया मैं, और जब देखा तो उसको वापस उसी दिन वापस लाइब्रेरी में रखाया, मैं बोला यार इतना लंबा कौन पढ़ेगा भाई। पर फिर भी जब मैं मास्टर में गया तो वहाँ पे मुझे क्लेडन की जरूरत पड़ी, और वहाँ जो बच्चे थोड़ा तेज होते हैं ना वो पहले से क्लेडन पढ़ रहे होते हैं, तो आपको एक कदम आगे निकलना है, मेरे जैसा नहीं बनना कि जाकर के मास्टर में पढ़ रहे हो, आप शुरुआत बीएससी से कर लो, एमएससी तक जाते जाते बहुत मजा आ जाएगा। चलो द सेकेंड टॉपिक विच इज कॉल्ड बच्चों रिएक्शन इंटरमीडिएट, फाइन, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जरा बोर्ड पे देखते चलना, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो चलो सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली दैट इज अ कार्बोकैटायन। तो हमें कैसे पढ़ना है, अगर मुझे कार्बोकैटायन के बारे में सर पढ़ना है तो मैं सेल्फ स्टडी करूंगा तो मुझे कहां से चैप्टर मिलेगा, तो वो मैं बता रहा हूं इसके बारे में जो चैप्टर आपको मिलने वाला है। लिखो बच्चों कार्बोकैटायन का चैप्टर नंबर 37, चैप्टर नंबर 37। तुम बोलोगे सर कोई भी किताब 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है और आप डायरेक्ट चैप्टर नंबर 37 में चले गए, क्या करें यार, क्लेडन कहता है कि भैया कार्बोकैटायन को पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 37 पे आओ, कोई बात नहीं आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। और चैप्टर का नाम है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, और आपको पता है कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होते रहते हैं, तो आपको पता है इस चैप्टर में से कार्बोकैटायन को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढना भी बहुत आसान है, पता क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपको पता है क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको कंटेंट में लिखा हुआ मिलेगा कार्बोकैटायन, नाम मिलेगा कार्बोकैटायन बेस्ड रीअरेंजमेंट, नाम मिलेंगे, तो आप इसमें से कार्बोकैटायन को बोलते हैं ना इसमें से छान लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अब इसके अंदर भी डिटेल्स हैं, पर उतना तो आप खुद ही ढूंढ लेंगे ना यार, कि मेरी ही जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं, मैं अवेलेबल हूं आप लोगों को बताने के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। तो करियर अरेंजमेंट में आप जाइए, वहां से इंटरमीडिएट को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए कार्बोकैटायन को, और इतना तो कर ही सकते हो ना यार, कर सकते हैं आप। तो कार्बोकैटायन पढ़ना है तो किस चैप्टर में जाना पड़ेगा बताइए, चैप्टर नंबर 37 की ओर जाना पड़ेगा, क्या ये बात समझ गए आप लोग, यस। तो इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन चैप्टर नंबर 37 की ओर है। सिमिलरली अगर मुझे कार्बन फ्री रेडिकल चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, कार्बन फ्री रेडिकल, ओ हो, तो हमें क्या करना है, देखो बीएससी में तो कार्बन फ्री रेडिकल हमें ज्यादा परेशान नहीं करता, पर एमएससी लेवल में कार्बन फ्री रेडिकल
बहुत परेशान कर देता है। तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। तो देखो, कार्बन फ्री रेडिकल को हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 39 में। सीक्वेंस याद रखना बच्चों, किस तरीके से पढ़ना है। अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फैन बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आवाज आ रहा है ना फैन का? नहीं आ रहा, ठीक है। चैप्टर नंबर 39, यस, चैप्टर नंबर 39 में। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चों, वो क्या है? देखिए, चैप्टर नंबर 39 में, थोड़ा मैं कमेंट्स को नहीं ले पाऊँ तो प्लीज थोड़ा सा परेशान मत होना, बिकॉज अभी मैं पूरा इस पे लगा हुआ हूँ, है ना। फिर मैं आपकी बातें पढ़ूंगा, पहले आप मेरी बातों को सुन लो, ठीक है, फिर मैं आपका वो जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं पर मैं अभी थोड़ा इसमें बिजी हुआ, ठीक है, थोड़ा सा प्लीज यार, है ना। चैप्टर नंबर 39, इसमें आप पूरे चीजों को पढ़ना, एंड देन आफ्टर आप इसमें ना कपलिंग रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करना, कपलिंग रिएक्शंस। तो कपलिंग रिएक्शंस में जो जो चीजें होंगी ना, उनको ढंग से देखना बच्चों, क्योंकि कपलिंग रिएक्शंस में जितने भी पिनाकोल कपलिंग रिएक्शंस होती है, मैकमरी कपलिंग रिएक्शंस होती है, वो रेडिकल की स्टोरी है और आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। वेरी नाइस, नाउ वी आर गोइंग टू आवर्स कार्बीन। यस, कार्बीन की तरफ चलना है। तो अगर कार्बीन की तरफ चलें तो चैप्टर का नाम क्या है? देखो इधर, चैप्टर का नाम आपको मिलेगा, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ कार्बीन, चैप्टर नंबर 40। और इसमें टॉपिक का नाम है सिंथेसिस ऑफ कार्बीन, और ये सब लोग पढ़े हुए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंथेसिस ऑफ कार्बीन, कार्बीन कैसे जनरेट किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो कार्बीन की जनरेशन, कार्बीन की स्ट्रक्चर, कार्बीन की स्टेबिलिटी, कार्बीन बेस्ड नेम रिएक्शंस, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। तो इसका मतलब कटाइन हो, रेडिकल हो, कार्बीन हो, और इसी में आपको नाइट्रीन भी मिल जाएगी। तो चैप्टर नंबर 40 में कार्बीन नाइट्रीन दोनों आपको मिलेंगे, आप इसके बारे में स्टडी कर लेना, ठीक है। अब सवाल उठता है, चलो सर कार्बोनाइन के बारे में बताओ। कार्बोनाइन को लिमिट करो, अभी उसको कार्बोनाइन को छोड़ो, उसको नेम रिएक्शंस के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं चैप्टर वाइज लिख दे रहा हूँ, देखो चैप्टर आपको सबसे ज्यादा ध्यान इसको रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके बुक में ही चैप्टर मेंशन नहीं मैच कर रहा हो तो ये तो मैच करेगा, इसकी बात समझ लेना, ठीक है। अब सुनो, अगर मुझे बेंजाइन को पढ़ना है, इधर देखो बच्चों, ये कार्बोकैटायन हो गया, कार्बाइन हो गया, अगर मैं बेंजाइन को पढ़ना चाहता हूं, कहां से पढूं बेंजाइन, और ये भी तो इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या काम कीजिए, आप जाइए चैप्टर नंबर 23 में। क्या? चैप्टर नंबर 23, और चैप्टर नंबर 23 में नाम चैप्टर का है इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन, ठीक है, ये नाम है चैप्टर का, और इसमें आपको बेंजाइन का सवाल मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 23 में यू डेफिनेटली गेट द टॉपिक ऑफ बेंजाइन। तो आपको इंटरमीडिएट में कार्ब कटायन हो, कार्बन फ्री रेडिकल हो, कार्बीन हो, नाइट्रीन हो, बेंजाइन हो, एवरीथिंग इज देयर। अच्छे तरीके से इसको डिटेल्ड मैनर में आप पढ़िए, इसमें जैम वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, नेट वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सब कुछ साथ में आपको लेकर के चलना होगा, फाइन बच्चों। तो ये कहानी है इंटरमीडिएट की। अब मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूं, मेन टॉपिक पे आ रहा हूं, बिल्कुल खिसकना नहीं, दैट इज अ रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो, जिसको प्रॉब्लम रिएक्शन मैकेनिज्म में ज्यादा होती है, क्या ये बात आप लोग समझ गए बच्चों? जवाब देते रहो यार, प्लीज जवाब देते रहो, तभी तो मजा आएगा ना, है ना, फाइन, ओके। देखो प्रयास न्यू सेकंड एडिशन में 38, देखते रहिए आप लोग, जो किताब आपके पास है आप उसको मैच कर लीजिएगा। वीडियो के साथ साथ अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो आप, ठीक है, नेट के लिए काफी है ना? यस, नेट के लिए काफी है। मैं आप अलग से नेट के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं जैम को और जैम को, है ना बच्चों, सॉरी, हाँ थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, सॉरी, है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। हाँ, जेई वाले बच्चे, हाँ, ये नेट, जैम, जेई तीनों के लिए कॉमन बातें हैं, है ना बच्चों, तो इसको हमें थोड़ा सा ढंग से समझ लेना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, सबको क्लियर है? सर बेंजाइन 22 में है, ओके फाइन, आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो के बाद कर लेंगे चैप्टर नंबर मैच। यस डेफिनेटली, वीडियो के बाद कर लेना, कोई बात नहीं। अरे इतने लोग जुड़ गए, 147 अटेंडेंस, यस आई गॉट इट, ठीक है, पूरा रीड करें या सेलेक्टेड। देखो, जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा ना रिएक्शंस की, मतलब अपनी जो बैटल है उसमें मैं टॉपिक आपको बताता चलूंगा जितना आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अभी डिटेल मैनर में अभी बताऊंगा ना तो सब खिचड़ी पक जाएगी, तुम भी बोलोगे भाई साला परेशान हो गया मैं, अब एक एक से कहां से क्या एक्सट्रैक्ट करना है बताऊंगा मैं, ठीक है, पर उसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अभी टॉपिक वाइज चलते रहेंगे हम लोग, गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। सर के मेरे से पढ़ाने से पहले आप एक काम करिएगा ना, किताब से पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। तो मैं अब बताने वाला हूं बच्चों हाउ टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म फ्रॉम द बुक ऑफ क्लेडन, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो क्या करना,
देखो बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए हमें ना सबसे पहले कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, पहले वो मैं बता देता हूँ। सीक्वेंस वाइज ढंग से देखना, इसमें कोई मिस्टेक मत करना, दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखो बोर्ड पे ढंग से देखना, हम अभी केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं। क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो हमने 11 12th में सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी वो क्या होती थी, आपको पता है कि एक ग्रुप को हटा करके दूसरे ग्रुप का जगह ले लेना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत जगह पे होते हैं, बहुत जगह पे। जैसे देखो इधर बोर्ड पे देखते चलो, चैप्टर वाइज सीक्वेंस इसी तरीके से मेंटेन करना बच्चों, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। मेरा फायदा बहुत हुआ है, तुम्हारा भी फायदा जरूर होगा। यानी सब्स्टिट्यूशन एट सबसे पहले sp2 कार्बन के ऊपर में। sp2 कार्बन बोले तो बच्चों ढंग से देखना, इधर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कार्बोनिल्स। यानी कार्बोनिल कंपाउंड अगर मेरे पास होता है, जैसे एसिड क्लोराइड्स होते हैं, एस्टर होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर अटैक मारता है, एक्स को लीव करा देता है ना, तो ये तुम्हारा जो कार्बोनिल का जो चैप्टर है, ठीक है, सब ठीक है, ओके गुड, ओके फाइन। तो अगर कार्बोनिल sp2 कार्बन है तो इस पे अटैक करके हम कैसे चीजों को लीव करा सकते हैं। देखो इधर बोर्ड पे देखते चलो बच्चों, sp2 कार्बन पे आप पढ़ना चैप्टर नंबर 12 बोले तो लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बोनिल कार्बन। नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल कार्बन। नाम में वर्डिंग पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप इसको लिखोगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो सबसे पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिस पे सब्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए आपको, दैट इज sp2 कार्बन, जिस पे आप अटैक करके एक्स को लीव करा दोगे, है ना। तो sp2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होते हैं, पर वो ऐड होके फिर निकल जाता है, ये बात होती है ना। फिर हम बात करेंगे, देखो नंबर चैप्टर नंबर ये, अगर मैं sp3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कराऊं, जो हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, यानी अल्काइल हैलाइड्स पे पढ़ते थे ना बच्चों, तो अगर मुझे sp3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कराना है तो उसको नोट करो, क्या लिखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड एट चैप्टर नंबर 17, और इसका नाम क्या है, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड लिखो यहां पे, सैचुरेटेड, ये आपका चैप्टर है सैचुरेटेड कार्बन। इसका मतलब sp3 sp2 की अगर मैं बात करूं, sp3 sp2 की बात करूं बच्चों, तो यहां पे आपके दो चैप्टर्स हैं सब्स्टिट्यूशंस के। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो इधर बोर्ड पे देखते चलो, रुकना नहीं है, दैट इज द एरोमेटिक, यानी बेंजीन की रिंग अगर आ गई हो और इस पे सब्स्टिट्यूशन करना हो, तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स बहुत तरीके के होंगे जिस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवानी पड़ेगी हम लोगों को, है ना। तो यानी sp2 कार्बन पे और यहां पे sp3 कार्बन पे, फाइन बच्चों, ओके फाइन। यहां पे आपको क्या करना है, देखो इसमें चैप्टर नंबर 22 लिखो बच्चों, चैप्टर नंबर 22 नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये इसका नाम है। और अगर तुम्हें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, न्यूक्लियोफाइल का, लिखो बच्चों चैप्टर नंबर 23, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। चैप्टर नंबर 23 पे आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन दो तरीके से रिएक्ट करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जब आते हैं तो, और एक न्यूक्लियोफाइल जब आते हैं तो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइन बच्चों आगे बढ़े। तो देखो इधर चैप्टर नंबर 23, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बेंजाइन मैकेनिज्म बोलते हैं इसको आप लोग, याद करो, है ना। तो आपको अगर बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आपको दो चैप्टर को डील करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 23, और उसका नाम देखो, चैप्टर का नाम है, अभी मैंने आपको लिखवाया था, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एल्केन्स। चैप्टर का नाम क्या है वो मैं लिख देता हूं, आप लोग नाम सुन लो, इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन, नोट करो इसको अच्छे से बच्चों। ये कहानी है तीसरे मॉलिक्यूल पे, चौथी मॉलिक्यूल जो आपका मिलता है, दैट इज कॉल्ड, बोर्ड पे देखो बच्चों, एल्कीन हो और यहां पे ये ग्रुप लगा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन। यानी जब हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स आ जाते हैं ना बच्चों, तो ऐसे केसेस में यहां पे जो बीटा कार्बन है ना, इस पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो आप बोलोगे सर कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अटैक हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो यहां पे जब अटैक होगा, तुम बताओ, इसको बोलेंगे ओपे माइनस, और ये वापस आकर के इसको लीव कर दे, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन। नाम है कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन, और जो चैप्टर है वो भी आपका इसमें लिखो, ये जो है इसको बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन बहुत तरीके के हैं, और ये भी आपको कहां मिलेगा, चैप्टर नंबर 23 में, लिखो बच्चों चैप्टर नंबर 23, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन, ये दोनों चीजें आपको चैप्टर नंबर 23 में मिलेंगी। क्या बात समझ गए, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो या सब्स्टिट्यूशन के इतने सारे चैप्टर्स हैं,
जिनको ऑर्गेनिक लवर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है किताबें, तो वो आप इन चैप्टरों को ढंग से पढ़िएगा। यानी कार्बोनिल कार्बन पे चैप्टर, सिस्टम कैसे अटैक करते हैं, कार्बोनिल नॉर्मल sp3 कार्बन पे कैसे करते हैं, एरोमेटिक रिंग्स पे कैसे करते हैं, एंड कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ना बच्चों। नोट कर लो, इसको अच्छे से नोट करो। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, सबको समझ में आ गया पक्का ना? देखो इधर एक बार ढंग से इसको देख लो बच्चों, मुझे बताइए क्या इसमें आपको चीजें समझ में आ गई हैं? एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई करो। ओके थैंक यू, ऐसे लोग भी जरूरी हैं, बेकार क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सॉरी, मैं थोड़ा एंटरटेनिंग और करने की कोशिश करूंगा, ऐसे लोग ही बहुत जरूरी हैं यार, है ना, थैंक यू, ऐसे लोग भी जरूरी है जो नेगेटिव कमेंट करे, वो भी मुझे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इग्नोर कर देता हूँ ऐसे लोगों को। अच्छा, थोड़ा साइड हो जाए, थैंक यू, ठीक है, साइड हो गया मैं, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर किसी को पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो प्लीज आप इनको डिटेल में देखिएगा। फाइन बच्चों, आगे बढ़े, नोट इट डाउन, क्या नोट कर लिया आपने? फाइन, ओके, फाइन, ठीक है। मैं सबके सवाल का जवाब लूंगा, बाद में लूंगा, ठीक है बच्चों, अभी मैं थोड़ा सा इस पे काम कर लेता हूँ, ठीक है। यस सर, एवरीथिंग इज फाइन ना? गुड, ठीक है, थोड़ा लंबा सेशन चलेगा क्योंकि किताब अच्छी है ना। ओके, ठीक है, ओके। क्लेडन जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी अबाउट इट, मेरे ऐप में सारी किताबें होंगी, ठीक है, रिन्यूड ऐप पर। अभी ऐप को कल आप लोग डाउनलोड करना, जो नए बच्चे जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए वो कल डाउनलोड करिएगा, कल मैं ऐप को पूरी तरीके से अपडेट कर दूंगा और कल से ऐप स्मूथ तरीके से चलने लगेगा। उसमें सारी किताबें होंगी, क्लेडन, जूफिल, कैरुथर, कैरिस एडवर्ग, स्टुअर्ट वॉरन, जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें हैं ना, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। जिनके पास किताबें नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए, आराम से पढ़िए यार, जरूरी, पढ़ने लिखाने में हर समय पैसा थोड़ी जरूरत है, बहुत पैसे कमा लेंगे जिंदगी में हम लोग, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द स्टोरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गुड, नाउ अब आगे बढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला टॉपिक, लिखो बच्चों, वी हैव टू डिस्कस अबाउट एडिशन रिएक्शन, सेकंड टॉपिक जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ऐड करना है तो सुनो, किसी ने किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम ऐड करना होगा, तो एडिशन रिएक्शंस के लिए अगर आप किसी कार्बोनिल ऑक्सीजन यानी इसमें ऐड करते हैं, यानी CO बॉन्ड में ऐड करेंगे, अल्कीन में ऐड करेंगे, ये तो होगा ना जहां पे अनसैचुरेशन है, या फिर कभी-कभी हमारे पास अल्कीन और कीटोन दोनों आ जाते हैं, तो सुनो, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल, या सॉरी एडिशन रिएक्शंस करेंगे कार्बोनिल पे, अल्कीनों पे कॉन्जुगेट एडिशन, ये चैप्टर इसी तरीके से चीजें चलती हैं। तो सुनो, जब मैं यहां पे अगर करूं तो चैप्टर नंबर 6 है, जब आप कार्बोनिल पे ऐड करेंगे, तो कार्बोनिल पे ऐड करोगे बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड, लिखो यहां पे, न्यूक्लोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल, ये चैप्टर का नाम है, टू द कार्बोनिल। जिनके पास ओल्ड क्लेडन है वो केवल चैप्टर की ओर जाएंगे, जिनके पास न्यू क्लेडन है वो प्लीज आप इस पे फोकस करिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके बच्चों। नाउ वी हैव अ चैप्टर नंबर 20, वी हैव अ चैप्टर नंबर 20 व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अल्कीन। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो यू हैव टू बी अ गुड ओवरव्यू, आपको अच्छा लगेगा किताबों को पढ़ना, रिएक्शन मैकेनिज्म भी अच्छा लगेगा। पहले सब्स्टिट्यूशन क्लियर कर लिया, फिर एडिशन क्लियर कर लिया, फिर एलिमिनेशन क्लियर कर लिया, ठीक है, ओके बच्चों। तो इसी तरीके से नाउ दिस इज द चैप्टर नंबर 10, इस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एडिशन, क्या बोलते बच्चों इसको, कॉन्जुगेट एडिशन, फाइन। ये उन बच्चों के लिए जो ऑर्गेनिक को बहुत पसंद करते हैं, कितना भी दिक्कत हो ऑर्गेनिक पढ़ना पसंद करते हैं एंड वो आगे बढ़ना पसंद करते हैं, तो दिस इज द कॉन्जुगेट एडिशन बच्चों। तो एडिशन रिएक्शंस में चैप्टर 6, चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 10, नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, करो इसको नोट जल्दी से, चलते रहिए, नोट करते रहिएगा इसको, है ना, बाद में वीडियो को फिर से देख करके नोट कर लेना, हमें पहले भी पढ़ा देता हूं, क्यों भाई, नोट कर लेना इसको, आगे बढ़े पढ़े बच्चों, यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखो इधर, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस, है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए आपको इस तरीके से चीजें चलनी चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, किताब वही लोग पढ़ सकते हैं जिनके पास पेशेंस हो, है ना बच्चों। तो ठीक है, वो बच्चे एंड तक बने रहेंगे जो किताब को पढ़ना चाहते हैं और ऑर्गेनिक को सही में सीखना चाहते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का तीसरा टॉपिक है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां से ना थोड़ा सा चीजें बदलती हैं, उस पर फोकस करना है। यहाँ पे हम अगर चैप्टर नंबर 19 पे जाएं, दिस इज चैप्टर नंबर 19, जहां पे आपको एलिमिनेशन मिलेगा और टॉपिक का नाम भी है एलिमिनेशन रिएक्शन, टॉपिक का नाम भी है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन, फाइन बच्चों। देन आफ्टर
चैप्टर नंबर 31 लिखो बच्चों, नोट करो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 31, इसमें लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग द ज्योमेट्री। लिखो बच्चों, कंट्रोलिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड, कंट्रोलिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड्स, है ना। तो ये जो चैप्टर है ना बच्चों, चैप्टर नंबर 31, ठीक है, चैप्टर नंबर 31 जो तुम्हारे पास ये वाला है, ये केवल नेट वाले बच्चों के लिए है। लिखो, ये केवल नेट और गेट वाले बच्चों के लिए, जैम इस पे तुम ऐड मत होना, दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर नंबर जो 19 है ना बच्चों, ये चैप्टर एलिमिनेशन रिएक्शंस का आपको मिलेगा, ये आपको आईआईटी जेई जैम के लिए भी है और नेट के लिए भी है, ठीक है बच्चों, ये तुम नोट कर लो, ये डिफरेंस है। चैप्टर नंबर 31 और 19 दोनों आपको पढ़ने हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए, फाइन, नोट इट डाउन करो जल्दी से इसको। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज्म सीखना है तो आप इस तरीके से सीखेंगे, फाइन बच्चों, आगे बढ़े, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए चैप्टर नंबर 19 और ये चैप्टर नंबर 31 है। दोबारा से वीडियो को देख लेना जो अभी नोट डाउन नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बार दिमाग में सीक्वेंस बना लो, फाइन। लास्ट पॉइंट देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म एक चैप्टर होता है जिसको बोला जाता है बच्चों फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन इसका नाम होता है। ये चैप्टर नेट वाले बच्चों के लिए है, गेट वाले बच्चों के लिए है, जैम वाले बच्चों के लिए ये नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप चैप्टर नंबर 38 के में पढ़ेंगे और नाम भी है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, जिसको मैंने बहुत तहजीब से पढ़ा रखा है आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे, है ना बच्चों, ठीक है, फाइन बच्चों। तो इसका मतलब ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा नेट के लिए। तो चैप्टर नंबर 38, दिस इज द फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। तो एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेगमेंटेशन, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसे हमें पढ़ना होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बच्चों? गुड। तो ये कहानी है बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो अभी तक हम लोग तीन पॉइंट समझ गए, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जीओसी, इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, ये जैम वाले बच्चे, नेट वाले बच्चे, सबके लिए एक जैसा है, ठीक है, आगे बढ़े, गुड। ये प्रिपरेशन किसके लिए बनने वाला है? नेट के बच्चों के लिए है। अब मैं आ रहा हूं जो सबसे परेशान करने वाला है, दैट इज द नेम रिएक्शन, है ना, नेम रिएक्शन। अब इसको थोड़ा कान खोल के सुन लो, कान खोल के इसको ढंग से सुनो। तो एक बार पानी देना बाबू जरा। नेम रिएक्शंस की अगर बात करें, लेके आओ जरा, नेम रिएक्शंस की बात करें बच्चों, तो देखो यहां पे मैंने आपको नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है, थोड़ा बातें कर ले, बहुत देर तक हो गई कहानी, तो अभी तक की चीजें सब तक पहुंच गई है। मेरे से तो एक दिन नहीं होता है फोन से पढ़ना, 1500 पेज का है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर फोन से नहीं पढ़ पाते हैं लैपटॉप इस्तेमाल करिए, नहीं तो ओल्ड क्लेडन नहीं मिलता है तो न्यू क्लेडन की बात कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब टीचर बनोगे तो कितने किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब कहां से पढ़ोगे वे? बहुत नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, सबको जॉब मिल जाएगी क्या? किसी को ऐसा थोड़ी है सबको जॉब मिल जाएगी, किसी ने किसी को क्या करना पड़ेगा, टीचिंग भी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसमें डाल के दो, उसमें डाल के दो, ठीक है सर। आईओएस के लिए ऐप भी बनाओ, अरे हाँ बना रहे हैं यार उसमें सर, रियली ओके ओके ओके, ठीक है, जेरोक्स करवा लो यार। हाँ ठीक है, बिल्कुल, जो लगता है कि नहीं है ओल्ड क्लेडन तो पीडीएफ उसकी जनरेट करके निकलवा लीजिए आप लोग, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। क्लेडन के बाद कर उथर पढ़ना है या जोफिल? ओके, क्लेडन के बाद आपको क्लेडन के पैरेलली जोफिल और कैरुथर्स पढ़ने पड़ेंगे ना। ठीक है, गुड गुड गुड। सर सर जैम लेवल तक सेलेक्टिव कैसे करें, प्लीज प्लीज इन्फॉर्म। ओके, जैम लेवल के लिए सेलेक्टिविटी आपको कोर्स जब मैं चलाऊंगा ना यूट्यूब पे, एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, तो उस पे मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा कि भैया ये जैम का इतना लेवल आप इतने पेज नंबर से पढ़ लेना, ठीक है यार, इतना तो कर लो, कर लोगे ना, ठीक है सर। आईटी जेई के लिए, हाँ ऑफ कोर्स, आईटी जेई के लिए पहले क्लेडन, आईटी जेई के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल है बच्चों, क्योंकि आईटी जेई में इतना एडवांस लेवल नहीं आता है, तो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाओगे, ठीक है सर। हिट्रो कब शुरू करेंगे? करेंगे भैया, साथ में कर लेंगे, है ना। ओके पारस सर, आई लव यू।
सर हम करेंगे टीचिंग, डेफिनेटली करना चाहिए आपको। हेलो सर, सर ऑल क्लियर अवेलेबल करवा दीजिएगा ऐप पे, डेफिनेटली करवा दूंगा एवरीथिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी किताबें जितने भी ऑर्गेनिक की अच्छी अच्छी किताबें हैं जिसको पढ़ के मैं मास्टर बना हूँ ऐसा कह सकते हैं, वो सारे क्लेडन आपको किताबें मैं अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, पढ़ना यार आप भी देना बच्चों को यार, सब कुछ शेयर करना यार, क्या है पढ़ना पढ़ाना, बिजनेस ही थोड़ी रह जाएगा यार जिंदगी में, ऊपर वाले को भी कुछ जवाब तो देना पड़ेगा ना। असल न्यू क्लेडन कैसी है, क्लेडन की देखिए न्यू क्लेडन भी अच्छी है पर उसमें सर चैप्टर्स कम है, इसलिए मैं कहता हूँ आप ओल्ड क्लेडन को प्रीफर करोगे, है ना। सर फिर रियजेंस इन यूट्यूब, देखिए रियजन जितना यूट्यूब पे हो चुका है उतना तो मैंने कर दिया है, बाकी ऐप पे मिलेगा, पर हाँ यूट्यूब पे मैं अलग तरीके से रियजेंस को पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके फाइन। क्या सर वीडियो नहीं चल रहा था, सर प्लीज रिप्लाई को, क्या सर न्यू क्लेडन वर्सेज ओल्ड क्लेडन विच इज बेटर सर, ओल्ड 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 ओके। अनूप मौर्या सर आई लव टीचिंग यूर स्टाइल ऑल्सो, थैंक यू सो मच, आप अपना स्टाइल क्रिएट कर लेना अच्छे से, है ना। फाइन बच्चों, ठीक है तो चलो अब मैं बात करता हूँ नेम रिएक्शंस की। क्लेडन बेस्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेस्ट तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, होता है ना। देखो कभी कभी बच्चों क्या होता है कि कोई चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन कोई ऐसा टीचर आपको मिलता है जो आपको पढ़ा देता है, मतलब आपको इंटरेस्ट जगा देता है, होता है ना, मेरे साथ तो हुआ था भाई। और ऐसा कोई बच्चे होते हैं जो पूरी मोटिवेटेड होते हैं, वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने के लिए बोलो तब भी पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ने के लिए बोलो तब भी पढ़ लेंगे, है ना भाई। तो सवाल ये उठता है बच्चों कि क्लेडन आपको ना, जब आप क्लेडन को पढ़ोगे तो वो आपको इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है। तो मैं कहता हूँ कि क्लेडन पढ़ने से ना वो चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग बना देती है चीज़ों को, उस पर उतना सब कुछ क्लेडन में है ये मैं नहीं कहता, क्योंकि मास्टर्स वाले बच्चों को कैरुथर जूफिल भी फॉलो करने पड़ते हैं ना। ठीक है, रोहित सर आपके लंगोटिया यार हैं क्या, डेफिनेटली है यार हमारे रोहित सर, आई लव हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, साथ में अपन क्रिकेट खेलते थे बड़ा मजा आता था, अरे यार वो दिन जो थे ना बहुत मजा आता था, हम थे, पारस सर थे, अनूप सर थे, प्रदीप सर थे, अपन देव सर थे यार, और हमारे कैम एकेडमी के बच्चे थे उस समय है ना, थे बहुत। और कभी कभी हमारे वेस सर भी, हमारे जो क्या बोलते कैप्टन, सुपर कैप्टन थे, वो भी हमारे साथ आते थे खेलने के लिए, तो बड़ा मजा आता था। पढ़ाई के साथ खेलना कूदना इंजॉयमेंट सब जरूरी है, केवल पढ़ते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे यार, क्या बात, मानते हो कि नहीं मानते हो। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं ऐप से पर्सनल बात करना चाहता हूँ, डेफिनेटली बात करिए ना, क्या दिक्कत है, हमारा नंबर बिल्कुल आपके सामने मिला हुआ है। ठीक है सर, व्हाट इज योर फुल नेम, विक्रांत कुमार यादव, ठीक है सर, आलोक सर, आलोक सर भी थे, अरे जेबी सर, आलोक सर, वेद सर, सब लोग साथ में मस्त रहते थे, हम लोग सब अच्छे से खेलते थे, पढ़ाना लिखाना सब ठीक है, साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी हमारी। सेलेक्ट लेने बुक और गाइड देना, क्या बोलते, दोनों लेनी है, क्लेडन की बुक और गाइड दोनों लेनी है, गाइड मतलब उसके सॉल्यूशंस है ना बच्चों। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये सवाल मत पूछो यार, आप जो आप पूछ रहे हो आपको पता है ना, ये सवाल नहीं पूछो भाई। चलो मैं आता हूँ टॉपिक पे, सवाल बहुत खतरनाक पूछ लेते हो तुम लोग, आगे बढ़ते हैं, देखो इधर टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं फिर बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आइए नेम रिएक्शंस, यानी नेम रिएक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया है कैसे पढ़नी है वो वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसको पढ़ते हैं बताओ बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन, है ना, क्योंकि कार्बोनिल की जो फैमिली है ना वो बहुत तगड़ी है और उस तगड़ी फैमिली को ढंग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो ओल्ड क्लेडन की बात करूं मैं तो चैप्टर नंबर 21 पे जाइएगा। देखो सबसे पहला, क्योंकि नेम रिएक्शंस बहुत टिपिकल टुकड़ों-टुकड़ों में बटी हुई है, तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले आप इस पे जाना, कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस पे, जिसको मैंने ढंग से पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, सब लोग फॉलो कर सकते हैं उसको जाकर के ना। तो फॉर्मेशंस ऑफ, इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन एंड रिएक्शन ऑफ इनोल एंड इनोलेट, फॉर्मेशन एंड रिएक्शंस, क्या बच्चों, फॉर्मेशन एंड रिएक्शंस ऑफ इनोल एंड इनोलेट, ये टॉपिक आप ढूंढना, पुराने वाले किताबों में तो चैप्टर वाइज मिल जाएगा, नए किताबों में थोड़ा आपको टॉपिक पे चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 21 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 26 लिखो बच्चों, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट, अब बातें नहीं करेंगे, पहले कुछ काम भी कर लेंगे फिर बातें करेंगे, ठीक है, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 27 दैट इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ इनोलेट्स, देखो इधर देखो, रिएक्शंस ऑफ इनोलेट्स इनोलेट्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज अ लिखा हुआ है अल्डोल रिएक्शन, इसको अल्डोल रिएक्शन बोला जाता है ना, आप लोगों को पता है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो दिस आर थ्री चैप्टर्स एंड चैप्टर नंबर 28 एंड चैप्टर नंबर 29 ओल्ड क्लेडन के, चैप्टर नंबर 28 दैट इज कॉल्ड असाइलेशन एट असाइलेशन
असाइलेशन एट कार्बन, ये लिखो चैप्टर का नाम है, ये मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, कोई भी मैच कर सकता है जिसके पास कोई भी किताब हो। कॉन्जुगेट एडिशन, कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट्स। तो देखो बच्चों, ये कुछ चैप्टर के नाम मैंने लिखे हैं, है ना बच्चों, चैप्टर के नाम ये कुछ मैंने लिखे हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैप्टर, ये नेम रिएक्शन का पहला पार्ट है जिसमें हम इनोलेट क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बेस्ड नेम रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और इसको ढंग से पढ़ लिया आसानी से चीजों को आप गेन कर सकते हो। इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, ए टू जेड पढ़ाया हुआ है कि नहीं बताओ, ये सब चीजें मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, है ना। तो आप इसको पूरे चैप्टर मैंने पढ़ा दिए आप लोगों को, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो दे दिया है ना, तो आप इनको ढंग से कर सकते हो ना। तो लिखो नेम रिएक्शंस का पहला पार्ट, दैट इज कॉल्ड इनोल, दैट इज अ कार्बोनिल बेस्ड नेम रिएक्शंस, इसको नोट करो अच्छे से, फाइन। और जब आपको लगे कि भैया हाँ ये चैप्टर में लिख रहा हूं, तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सर मोबाइल से पढ़ के बोर हो जाते हैं तो मैं आ जाऊं आपके पास पढ़ाने के लिए। सर 2829 की मिल रहा मुझे न्यू में, कोई हेल्प करो। सर 2829 नहीं मिल रहा, अरे अगर नहीं मिला तो चैप्टर देखो ना, असाइलेशनेट कार्बन और कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट। जिसको चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है कॉन्टेक्ट अस, दो नंबर है आपको, संदीप सर और विक्रांत सर के नंबर है, आप उनको कॉन्टेक्ट करिए, आपको पूरी डिटेल, अगर दिक्कत अभी भी आएगी हम सॉल्व करेंगे, रिजोल्व करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके सर, लैपटॉप में चल सके ऐप की वीडियो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बच्चा अभी तो लैपटॉप में एक्सेस का मैं बात करूंगा, ठीक है, अभी बात करूंगा मैं, फाइन बच्चों, ठीक है। सुशांत सिंह, आई एम न्यू, वेलकम वेलकम द फैमिली ऑफ ध्रुवेद एकेडमी। ये एक एकेडमी नहीं है, ये एक फैमिली है, प्लीज, है ना। तो हम लोग फैमिली मेंबर्स है, जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितने लोग नहीं भी सब्सक्राइब कर रहे, वीडियो को देख रहे हैं, वी आर नाउ ज्वाइंट, अपने एक फैमिली मेंबर बन गए हैं। तो अपन किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके फाइन सर, मुझे नहीं पता कैसे तैयारी करें, सर आप कुछ बताइए। डेफिनेटली मैं बताऊंगा आपको, पर अभी का जो टॉपिक है उसको ढंग से देखो। तो क्या बच्चों आप इसको नोट कर पाए, कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस, ठीक है, गुड, नोट कर लेना इसको, फाइन। तो ओके हम बात करेंगे, अब देखो, अब मैं बात करूंगा इंटरमीडिएट बेस नेम रिएक्शन। बच्चों इंटरमीडिएट बेस नेम रिएक्शन इसी तरीके से पढ़ना है, इंटरमीडिएट बेस नेम रिएक्शन। तो देखो जब तुमने इंटरमीडिएट पढ़ाई करी थी, इंटरमीडिएट में मैंने आप लोगों को बताया था, तो वहां पे जो चैप्टर है वही चैप्टर यहां भी होंगे। तो लिखो अगर इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटायन है, तो चैप्टर नंबर 37 ये मैंने पहले मेंशन किया हुआ है नाम, नोट कर लो बच्चों। अगर रेडिकल में है तो चैप्टर नंबर 39। तो देखो जब तुम इन चैप्टरों को पढ़ोगे ना बच्चों इंटरमीडिएट में, तो तुम्हें खुद ही वहां पे नाम दिख जाएंगे कि ये मैकमरी कपलिंग है, ये पिनाकल सिंथेसिस है, ये तुम्हारा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, ये डेमेंजो रीअरेंजमेंट है, ये सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। फ्रॉम मुंबई, हेलो मुंबई, आई एम फ्रॉम झारखंड, ठीक है, गुड। तो इसका मतलब कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बिन की जो नेम रिएक्शन है, जब आप चैप्टर नंबर 40 पढ़ोगे तो सब कुछ वही हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, फाइन बच्चों। सर आईआईटी दिल्ली का एक्सपीरियंस, कौन सी आईआईटी सेलेक्ट करना है बताओ। ओके ओके बताऊंगा बताऊंगा, फाइन सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। सर मैं आपको लास्ट 2 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ, ध्रुव सर कौन है? ध्रुव सर हमारे क्या कह सकते हैं, 8th क्लास के टीचर थे, मतलब 8th क्लास में। आपको मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ, 8th क्लास से पहले तक जब हम पढ़ाई से बिल्कुल नाता ही दूर था हमारा, बाबूजी आते थे तो ड्राइंग की किताब लेके बैठ जाते थे बस यूं दिखाने के लिए कि पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सर थे जिन्होंने हमारे बारे में, मतलब हमें कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के साथ जोड़ दिया, इन्होंने पहली बार मुझे बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूमते हैं, इमेजिनेशंस करा दिया। तो सोच लो एक छोटे से बच्चे को, 8th क्लास के बच्चे को अगर किसी ने थोड़ा सा गाइड करा दिया ना, है ना। तो ये थे ध्रुव सर हमारे, तो उनके नाम पे मैंने सबसे पहला स्लोगन आप लोगों को दिया है। और सर को तुम, दूसरे सर को तो तुम जानते ही हो, है ना भाई। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली द कॉम्बिनेशन इज, ठीक है। और वे सर कौन है इसमें, कौन नहीं जानता यार, ऐसे कौन बोल रहा है भाई, उनको जानो, है ना। वेद सर कौन है, वेद सर भी हमारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने हमें बनाया, मतलब केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सिखाया, पढ़ने का तरीका बताया, बहुत सारे बच्चों को बताया उन्होंने, मुझे भी बताया थोड़ा बहुत, है ना भाई। ओके फाइन, तो चलो हाँ ठीक है, इंटरमीडिएट बेस नेम रिएक्शंस कंप्लीट हो गया, कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल कार्बिन बच्चों, है ना। तो इंटरमीडिएट की स्टोरी फिनिश, ओके फाइन। अब सुनो, नोट करो उसको, अब मैं बात करने वाला हूं इसी तरीके नेम रिएक्शंस की, और आगे बढ़ते रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, किताब पढ़ना आसान नहीं है इसलिए कंटिन्यू चलते रहेंगे। देखो इधर, नेम रिएक्शंस को अगर मैं बोलूं रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस, क्या बात है, रिएजेंट बेस्ड, ये मैंने आप लोगों को बताया,
तो क्लेडन में रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस भी हैं, वो प्रॉपर रिएजेंट के चैप्टर में है। तो रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन का जो प्रॉपर चैप्टर है बच्चों वो लिखो, आपको मिलेगा ये नेम रिएक्शन चैप्टर नंबर 24 में। इसका नाम है कीमो सेलेक्टिविटी, ठीक है। आप जब रिएजेंट पढ़ोगे उसमें आपको ये चैप्टर मिलेगा। तो रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस में आपको पूरी रिएजेंट्स पढ़नी पड़ेगी, तो वहां मिल जाएगा आपको, चैप्टर नंबर 24 में मिलेगा। एंड चैप्टर नंबर लिखो 48 में, यस चैप्टर नंबर 48। और चैप्टर नंबर 48 बोले तो एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, हां एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। जो जैम के बच्चे हैं ना तुम इसी को फॉलो करना, ये ओनली जैम के लिए है, ये ओनली नेट के बच्चों के लिए है, ठीक है। नेट के बच्चे जो हैं उनको ये नेम रिएक्शंस पढ़नी है जो ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड है ना, सुजुकी कपलिंग, हैक कपलिंग, सोनागाशीरा कपलिंग, बहुत सारी नेम रिएक्शंस है जो ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर 24 किसके लिए, जो रिएजेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो ये नेम रिएक्शंस की बात आप समझ गए क्या, ठीक है। तो ये कहानी है चैप्टर नंबर 48। फाइन बच्चों, क्या मेरी बात आप समझ गए पक्का, रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस ये कर लोगे, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं लास्ट पॉइंट नेम रिएक्शंस का, आखिरी टॉपिक जो आपको क्लेडन की किताब सिखाएगी। नोट करिए, नोट करिए बच्चों, चैप्टर नंबर 31 जिसको मैंने लिखा था, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन बेस्ड नेम रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन बेस्ड नेम रिएक्शन है, फाइन। और इस चैप्टर का नाम लिख लीजिए जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 31 आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है बच्चों मैंने, कौन सा चैप्टर था वो बताओ, 31, चैप्टर नंबर 31 एलिमिनेशन में समझाया था, है यस पढ़ाया था ना, कंट्रोलिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड, ये बता रखा है मैंने। तो नेम रिएक्शन अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं क्लेडन की किताब से तो वो टुकड़ों में दी गई है, कार्बोनिल की अलग है ना, और रिएजेंट्स की अलग है, इंटरमीडिएट की अलग है, और ये कहानी है किसकी, जिसमें हम लोग बात करते हैं नेम रिएक्शन एलिमिनेशन बेस्ड, ठीक है, कंट्रोलिंग द ज्योमेट्री, चैप्टर का नाम है लिखो कंट्रोलिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड। तो नेम रिएक्शंस में इतना बहुत है यार, ठीक है। तो जैम वाले बच्चे जिनको क्लेडन पढ़ने का मन करता है वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो नेम रिएक्शंस की इतनी स्टोरी आपको क्लेडन में दी गई है, फाइन बच्चों। लिखो अब रिएजेंट कैसे पढ़ना है, रिएजेंट्स आप अगर क्लेडन पढ़ रहे हैं और आपको रिएजेंट्स के चैप्टर पढ़ने हैं, दिक्कत आती है क्योंकि हम अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे होते हैं और टीचर हमें कुछ पढ़ा रहा होता है तो हमारा मन भी करता है यार कुछ ना कुछ किताबों से तो पढ़ा जाए ना, कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो रिएजेंट्स कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में बात करने वाला हूं मैं। तो अभी तक सब लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या बोर हो रहे हो यार, हैं किधर उधर भाग रहे हो, इधर उधर टहल भी रहे हो, विच चैप्टर वी हैव टू रीड एट क्लेवन, विच चैप्टर वी हैव टू रीड, वही चैप्टर बता रहा हूँ बच्चों, है ना, वही चैप्टर में बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है आप लोगों को। तो अभी तक एवरीथिंग इज फाइन, आप समझाओ और समझना आए ऐसे नहीं हो सकता। ओह थैंक यू सो मच, ठीक है सर, पिक भेज देना, पिक क्या भेज दूँ भाई, ओके ये सर, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, ठीक है। अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया है एवरी वन गॉट इट ना यार, सर ठीक है फाइन सर, फीलिंग एक्साइटेड नॉट फीलिंग बोर्ड एट ऑल, थैंक यू सो मच। कोशिश कर रहा हूँ यार मैं भी, क्या करूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहानी थोड़ी लंबी तो है पर थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो हम लोग कर पाएंगे ना, ठीक है। ओके 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 सर जी, यू आर गोइंग वीक, खाना पीना थोड़ा कम हो गया। टेलीग्राम पे ग्रुप बना दो सर, सर हंस के दिखा दो, बे इतना हंस रहा हूँ मैं, तू ही अंदोरिया, अंकुश इंदोरिया, तूने ही मुझे बोला था ना, तूने ही बोला सर अब हंसते बहुत हो, अबे हंसना चाहिए, हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, रिएजेंट्स की दुनिया में कदम रखते हैं। रिएजेंट्स नोट इट डाउन, रिएजेंट्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो इसी सीक्वेंस से पढ़ाया है। लिखो बच्चों, ओल्ड क्लेडन में चैप्टर नंबर 24 कीमो सेलेक्टिविटी ये आपको पढ़ने को मिलेगा, जो मैंने अभी आपको बताया उसको दोबारा से पढ़ना, रिएजेंट्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लिखो बच्चों, इसमें आपको ना ऑक्सीडेशन भी मिलेंगे, रिडक्शन भी मिलेगा, बट दिक्कत वही है ना यार, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री नहीं मिलेगी, तो ये चैप्टर थोड़ा आपको परेशान करेगा। चैप्टर का नाम है कीमो सेलेक्टिविटी, ठीक है, ओके फाइन। अब सुनो, चैप्टर नंबर 24, अब चैप्टर नंबर 48 इसको लिखो, नोट करो बच्चों, चैप्टर नंबर रिएजेंट्स की दुनिया में नो, अभी नहीं, चैप्टर 24 के बाद खत्म करना चैप्टर नंबर 9 जो है यूजिंग, नाम लिखो यूजिंग ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, है ना बच्चों, ये नाम है, ये नाम मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं कि जिस बच्चों को क्लेडन की बुक मैच नहीं हो पा रही होगी ना वो मैच कर लेंगे नाम, रिएजेंट्स टू मेक कार्बन कार्बन बॉन्ड, रिएजेंट टू मेक
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो ये चीज थोड़ा सा नोट कर लेना, क्योंकि जब हम लोग रिएजेंट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो रिएजेंट में चैप्टर नंबर 24, चैप्टर नंबर 9, ये कहानी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, और ये है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स की। तो देखो बच्चों, जो जैम के बच्चे हैं, जैम के बच्चे ये दो चैप्टर को अगर पढ़ेंगे ना रिएजेंट्स के लिए, तो आपके लिए काफी होगा, ठीक है। पर बच्चों जो नेट के बच्चे हैं उनको इससे थोड़ा काम नहीं चलेगा। देखो बच्चों प्लीज ढंग से देखना, क्योंकि दिक्कतें आपको आएंगी, इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पे। ये जैम के लिए है और ये एडिशनल चैप्टर नेट के लिए है। नेट के लिए एडिशनल चैप्टर क्या है लिखो बच्चों, यहां पे आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 48, ठीक है। इसमें आपको मैंने अभी लिखा एडवांस्ड, लिखो बच्चों, ये नेट और गेट के लिए है। जैम वाले बच्चे तुम केवल उन ऊपर वाले को पढ़ना, नेट वाले बच्चे तुम इनको पढ़ना। इनको पढ़ने के बाद एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडवांस लेवल ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ठीक है भाई। और इसी में देखो नोट डाउन करो बच्चों, इसी में नोट डाउन करो चैप्टर नंबर 33, जो तुम्हें रिएजेंट की स्टीरियो मिलेगी, यानी स्टीरियो में थोड़ी बहुत परेशानी होगी ना, ठीक है। सर आज ऐप कलेक्शन नहीं आया क्या? नहीं आज नहीं आया है, ठीक है। कल से आपको ऐप स्मूथ मिलेगा, ठीक है। कल मैं आप अनाउंसमेंट भी कर दूंगा इसका, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी यार, आप समझो, है ना, मैं कर दिया हूँ सब रिजॉल्व। कल से स्मूथ तरीके से आपको काम मिलेगा, कल मेरा कॉल आपको आपको आएगा। जितने ऐप परचेज कर चुके हैं बच्चे, पर्सनली मैं आपको कॉल करूंगा कल, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है अब, ठीक है। थोड़ी दिक्कत जो आई थी सबको पता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ऐप के बारे में बात करूंगा, मैं अभी बता दूंगा ऐप के बारे में। देखो चैप्टर नंबर 48, चैप्टर नंबर 33, चैप्टर नंबर 33 ऑफ क्लेडन, नाम क्या है लिखो, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। चैप्टर नंबर 34 दैट इज कॉल्ड डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी। देखो बच्चों, जैम वाले बच्चों तुम्हें ये दो चैप्टर से मतलब है, नेट वाले बच्चों तुम्हें ये पांचों चैप्टर से मतलब होगा, जिसमें तुम रिएजेंट्स को सीखना चाहोगे। और मैंने जो यूट्यूब पे रिएजेंट्स आप लोगों को पढ़ाया है, ऑफकोर्स इन दोनों लेवल को मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप जब इनको पढ़ोगे, इनको इनको तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, इनको इनको और इनको, इन तीनों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप जा करके अच्छे से कंप्लीट कर लेना, है ना बच्चों। तो नोट इट डाउन, रिएजेंट्स की दुनिया में अगर आप कदम रखते हैं तो ये कहानी आपको पढ़नी होगी। नोट कर लो अच्छे से बच्चों, ये कहानी है रिएजेंट्स की दुनिया में कदम रखने वालों की, प्लीज नोट इट डाउन। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रिएजेंट्स का है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ा जाए। ओके ओके फाइन सर, यू आर द ग्रेटेस्ट, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बच्चों इतने प्यार का हकदार नहीं हूं मैं, पर आप लोगों का बड़प्पन है कि आप इतना प्यार हमें देते हैं, है ना। ओके थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। हा 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 हा, ओ मीन्स यू हैव अ परचेज बोथ कोर्सेस, क्या है। हेलो विक्रांत सर, आप गजब पढ़ाते हो। अरे अस्सलाम वालेकुम क्या बात है, हमारे मित्र जब हमें इस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा प्राउड महसूस होता है यार, जिस दोस्त के साथ हम कभी अपने कॉलेज की गलियों में मजाक मस्ती किया करते थे, आज सब अपने अपने काम में बिजी हैं, सब अपनी लाइफ बदल गई है, है ना, है ना बच्चों। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं फ्रेंडशिप लाइफ, पर यार कॉलेज लाइफ मस्त होता है, ये मानते हो कि नहीं। कॉलेज लाइफ है बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, आपका क्या ख्याल है। मैं अपने कॉलेज लाइफ को बड़ा मिस करता हूँ, अपने कॉलेज के दोस्तों को। एक ही दोस्त मेरा बना था कॉलेज में, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई काफ़ी दिनों तक हम और अभी तक हम लोग साथ हैं, है ना भाई। ओके कैसे परचेज करें ऐप का नाम इन प्ले स्टोर, आप एक काम करिए बस एक दिन रुक जाइए, उसके बाद आपको नाम पता सब मैं बता दूंगा, ठीक है। रिन्यूड ऐप आ रहा है उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है सर। यस हाँ यार बात तो सही है, कॉलेज लाइफ इज़ ऑसम, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, आराम से जिंदगी को जीते थे दोस्त, एक ही दो एक सब मिल के रहते थे हम लोग, है ना। ऑल क्लेडन बुक प्रोवाइड करवा दोगे सर ना, बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। उससे सब कुछ किताबें जो भी मैं बता रहा हूँ ना सब प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। कल के लिए आप रुक जाना, कल मैं आपको बताऊंगा कि रिन्यूड ऐप आ गया है, उसमें हम लोग काम करेंगे अच्छे से, उसमें बड़ा अच्छा आएगा। रोहित सर की बात, क्या बात क्या बात, रोहित सर का क्या बात क्या बात, बहुत अच्छी बात है, रोहित सर तो मजे ही थे। सर क्लेडन कैरूथर एंड जूफिल को कैसे साथ साथ पढ़ेंगे, डेफिनेटली नेट वाले बच्चे जब मैं कैरूथर जूफिल को पैरेलली लेके चलूंगा ना, तो तुम्हें बताऊंगा कि क्लेडन के साथ जूफिल और कैरूथर को कैसे मैच करना है, डोंट वरी अबाउट इट। सर ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल को भी बता देना बाद में सर,
ठीक है ठीक है सर, ओके 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 फाइन। रोहित सर का क्या? अरे ठीक है सर, रोहित सर ओके फाइन ओके। चलो आगे बढ़े क्या बच्चों? गुड। तो रीजंस की स्टोरी को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखो बच्चों, नोट करते चलो। रीजंस को खत्म करने के बाद अब किसको फोड़ूं? क्या फोड़ना है बताओ? पेरिसाइक्लिक को फोड़ा जाए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की तरफ। ओके 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 चलो चलो बात करने बाद में आप पेरिसाइक्लिक पे आते हैं। रिएजेंस के बाद बच्चों हमारा अगला टॉपिक है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो रिएजेंस खत्म करना, फिर पेरिसाइक्लिक की तरफ कूद पड़ना, ठीक है। पेरिसाइक्लिक पे अगर कूद पड़े, मार्कर एक भरना, पेरिसाइक्लिक पे अगर कूद पड़े तो क्या होगा? देखो इधर आप करो, देखो पेरिसाइक्लिक में क्या करना बच्चों, चैप्टर नंबर 35 पे लेके आना, और चैप्टर नंबर 35 का नाम ही है साइक्लो एडिशन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन लिखा हुआ है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन उसके नाम के आगे लिखा हुआ है साइक्लो एडिशन, ठीक है। बड़ा मजेदार चैप्टर है यार। और चैप्टर नंबर 36 दैट इज कॉल्ड बच्चों सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस। तो ये दो चैप्टर है जो आप किससे पढ़ सकते हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से। फाइन बच्चों, ठीक है। तो हम बात करेंगे, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैं शायद आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, तो फिर टाइम लूंगा मैं आपसे बात करने के लिए। तो पेशेंस रखिए, जब मैं आपसे बात करने के लिए आऊंगा अभी तुरंत जब टॉपिक खत्म करके, तो फिर चीजों को मैं अच्छे से आपसे बात कर पाऊंगा, आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा, है ना। तो एक समय में एक ही काम करते, चाहे बात कर लेते चाहे पढ़ा लेते यार, ठीक है। हाँ संदीप सर को हाय बोल रही है कोई। हाँ भावना प्रकाश जी संदीप सर सर को हाय बोल रही है। संदीप सर हाय। अच्छा आप इनको जानते हैं? वेरी गुड, अच्छी बात, गुड गुड। अब देखो इधर बोर्ड पे फोकस करो। देखो बच्चों पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, अब हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो बच्चों पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री, आगे बढ़ते हैं। अब तुम अगर स्टीरियो पढ़ना चाहते हो ना बच्चों, तो स्टीरियो कहां से मिलेगी? अलग से कोई किताब पढ़नी है क्या? पहले अभी मैं बात कर रहा हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए। अगर मुझे क्लेडन का मदद लेना है तो स्टीरियो कैसे पढ़ी जाए? हाँ स्टीरियो, देखो बच्चों मैं अगर बोलूं आपसे तो स्टीरियो जेम के लिए फिनिश, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं फिनिश नहीं हो रहा, जब मैं बोल दूंगा जेम के लिए फिनिश, अभी चलो थोड़ा, ठीक है। डर गए क्या जेम वाले? डर गए क्या? अभी मत डरो। देखो इधर, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको मैंने बताया था बच्चों दो तरीके की होती है ना, आप ही बताओ दो तरीके की स्टीरियो होती है कि नहीं। एक स्टीरियो केवल जो मॉलिक्यूल को देख करके काम ली जाती है स्टेटिक, और एक स्टीरियो की जो कह सकते हैं ना उसको रिएक्शंस में इस्तेमाल हो उसको बोला जाता है डायनामिक। डायनामिक यानी रिएक्शन कराने जाओ किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, उस मॉलिक्यूल के पास भेज दो और बोलो भैया तुम रिएक्शन करो, तो वो अगर अपने स्टीरियो केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे डायनामिक स्टीरियो चल रही है। और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस स्टीरियो केवल मॉलिक्यूल के पास गए और बोले भैया तेरा हालचाल क्या है, तू बता तेरा दिखता क्या है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक स्टीरियो। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो इधर स्टैटिक और डायनेमिक दो टाइप की स्टीरियो हैं। तो स्टैटिक स्टीरियो में हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 जिसको क्या बोला जाता है, ओनली लिखा हुआ है स्टीरियो केमिस्ट्री, है ना। तो आप डायरेक्टली वहां स्टार्ट कर सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री को, चैप्टर नंबर 16 है। एंड चैप्टर नंबर 18 बोला गया है कंफर्मेशन एनालिसिस, कंफर्मेशन एनालिसिस। तो ये चैप्टर में आप कंटेंट, और तो बहुत ब्यूटी इसकी ये है कि वो सारे कंटेंट आपको यहाँ से दिखा देती है, तो आप आसानी से वहाँ पे कंटेंट देख करके अपने अकॉर्डिंग वहाँ पढ़ सकते हो, तो कोई लफड़ा नहीं है आराम से। तो इसका मतलब अगर स्टैटिक स्टीरियो पढ़नी है तो आपके ये दो चैप्टर्स होते हैं क्लेडन के। अगर डायनेमिक स्टीरियो पढ़नी है तो अभी मैंने आपको बताया है रिएक्शंस में, तो चैप्टर नंबर 33 और चैप्टर नंबर 34 जिसका नाम मैंने अभी इससे पहले रिएजेंटो में लिखा था बच्चों, है ना। तो इसका मतलब ये कहानी है बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री की, देयर वाज़ द फोर्थ चैप्टर ऑफ स्टीरियो जिसको आपको समझनी आएगी। तो क्लेडन की किताब में चार चैप्टर हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के, दो स्टीरियो केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री मिलेगा, कंफर्मेशन एनालिसिस भी मिलेगी, और ये तुम्हारा डायनेमिक स्टीरियो होगा चैप्टर नंबर 33 और चैप्टर नंबर 34। इसका नाम मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है, फिर से बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 33 स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड एंड डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है बच्चों। नोट इट डाउन कर लो, अच्छे से नोट करो इसको। अब बहुत अभी तक जो बच्चे टिके हुए हैं थैंक यू सो मच, मुझे लगा तो यार तुम तो गायब हो जाओगे लेकिन वाकई में तुम केमिस्ट्री पसंद करते हो, ठीक है, कोई फाइन, ओके फाइन, तो अच्छी बात है। जो लोग केमिस्ट्री पसंद करते हैं वो डेफिनेटली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो केमिस्ट्री को बस थोड़ा सोचते हैं ठीक है वो लोग आए थोड़ा देखें फिर चले गए, लेकिन जो लोग अंत तक रुके हुए हैं थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलो अब मैं बता रहा हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी
कैसे पढ़ें स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लिडन से। तो देखो ऐसे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग से किताब आती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों, लेकिन अगर क्लिडन की किताब से ही मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैं क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर पढ़नी है तो मैं कैसे पढ़ूंगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बच्चों देखो इधर आपके सामने दो चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है देखो इधर प्रोटोन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, नाम है प्रोटोन न्यूक्लियर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस, प्रोटोन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये आपको एनएमआर के बारे में समझा देता है, फाइन बच्चों ये आपको एनएमआर के बारे में समझा देता है। और चैप्टर नंबर 15 आपको बता देता है आईआर, यानी इसमें लिखा है रिव्यू ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, रिव्यू ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। तो ये दो चैप्टर्स हैं जो क्लिडन बोलता है कि भैया अगर तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझसे पढ़ना चाहते हो ना, केवल मुझसे पढ़ना चाहते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए बच्चों ये तुम्हारे दो चैप्टर्स दिए गए हैं, प्रोटोन एनएमआर, प्रोटोन की स्टोरी और रिव्यू ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। पर मैं कहूंगा ना एनएमआर इनसे मत पढ़ना, ये बेचारे कोशिश तो करते हैं, तुम इनके सवाल को सॉल्व कर लेना, पर प्लीज एनएमआर के लिए सर डायनेमिक जैम के लिए नहीं है क्या? हाँ डायनेमिक स्टीरियो ज्यादा जैम के लिए नहीं है, ठीक है, स्टैटिक स्टीरियो ज्यादा है, डायनेमिक बहुत कम है, ठीक है। तो देखो चैप्टर 11 और चैप्टर नंबर 15 ये तुम्हारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए है, पर इसके लिए तुम जो बुक इस्तेमाल कर सकते हो पाव्या की किताब इस्तेमाल कर सकते हो, पाव्या, ठीक है, पाव्या की किताब होगी उसको तुम इस्तेमाल कर लेना, पाव्या की बुक है ना। पर क्लिडन को देख लेना थोड़ा बहुत, ये बेचारा मेहनत किया है, इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बताने की, तो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर्स, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, चैप्टर 11 चैप्टर 15 प्रोटोन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस रिव्यू स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो देखो क्लिडन आपकी कितनी मदद कर रहा है ना, जीओसी सिखाने में, इंटरमीडिएट सिखाने में, मैकेनिज्म सिखाने में, नेम रिएक्शन सिखाने में, रिएजेंट सिखाने में, पेरिसाइक्लिक सिखाने में, स्पेक्ट्रोस्कोपी सिखाने में, स्टीरियो, अभी बस जैम का एंड होने वाला है। देखो इधर बच्चों, देखो इधर आपको अगर हेटरोसाइक्लिक पढ़ना है, जितने बच्चे कनेक्टेड है प्लीज देख लो इसको यहां से, हेटरोसाइक्लिक पढ़ना है आपको अगर क्लिडन की बुक से तो कैसे पढ़ें। तो देयर आर 3 चैप्टर्स इन द बुक ऑफ क्लिडन जो हमें हेटरोसाइक्लिक सिखाता है। तो चैप्टर अगर आपको पढ़ना है बच्चों, देखो इधर बच्चों, तो यहां पे हमें क्या करना है हेटरोसाइक्लिक के लिए, देखो इधर चैप्टर नंबर 42 पे आना है जिसका नाम है हेटरोसाइक्लिक, हेटरोसाइक्लिक विदाउट एरोमेटिक कैरेक्टर, विदाउट एरोमेटिक कैरेक्टर, देखो इधर बच्चों, विदाउट एरोमेटिक कैरेक्टर। ये आप सेल्फ स्टडी करके, एक बात मैं बताऊं आपको, केवल नोट्स पढ़ करके, टीचर को फॉलो कर करके आप एग्जाम तो क्रैक कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आएगी जब आप टीचिंग करने के लिए जाओगे ना, तो आपके पास वो चीजें सफिशियंट नहीं होती हैं। जब भी मैं भी टीचर जब बना हूं तो केवल नोट्स काफी होते थे, अगर मैं टीचर टीचिंग करने के लिए जाता तो नोट्स काफ़ी नहीं होते बच्चों, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ना थोड़ा किताबों को भी फॉलो करिए ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप केवल नोट्स पे फोकस नहीं करिए, किताबों को पढ़ने की आदत जरूर डालिए। चैप्टर 42 चैप्टर नंबर लिखो बच्चों 43 जिसमें लिखा हुआ है एरोमेटिक, एरोमेटिक हेटरोसाइक्लिक, हेटरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन, फाइन। एंड चैप्टर नंबर 44 जिसमें हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक हेटरोसाइक्लिक सिंथेसिस, ठीक है, हेटरोसाइक्लिक सिंथेसिस। ये 3 चैप्टर हैं जो आपको ऑर्गेनिक के सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हेटरोसाइक्लिक सिखाने में आपकी मदद करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। हेटरोसाइक्लिक के लिए आपके पास ये होगा, और लिखो बायोमोलिक्यूल्स, साथ के साथ इसको भी चिपका दिया उन्होंने, बायोमोलिक्यूल्स जिसमें आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 49। देखो बच्चों कितनी हेल्प कर रहा है, प्लीज बायोमोलिक्यूल्स को भी समझाने में हेल्प करेगा आपकी ये। तो बायोमोलिक्यूल्स में कौन समझाएगा, क्या चैप्टर का नाम है लिखो, द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। देखो बच्चों यानी जो केमिस्ट्री यानी बायोमोलिक्यूल पढ़ना चाहते हैं उनको भी ये हेल्प करेगा, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ लिखा हुआ है उसमें, एंड उसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स मिल जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो चाहे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे वो पेरिसाइक्लिक हो, चाहे वो रिएजेंट हो, चाहे वो बायोमोलिक्यूल्स हो, यस इट विल हेल्प यू। तो क्लिडन में आपको हेटरोसाइक्लिक भी मिलेगा, बायोमोलिक्यूल्स भी मिलेगा, समझ गए आपको। एंड द लास्ट वन जो जैम वाले बच्चों के लिए है, लिखो इधर जैम वाले बच्चे आप पढ़ लेना चैप्टर नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट जो आपके सिलेबस में है, जैम का सिलेबस यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 51, नोट इट डाउन, चैप्टर 51, और इसका नाम है देखो इधर नेचुरल प्रोडक्ट, नाम ही नेचुरल प्रोडक्ट है। तो देखो हेटरोसाइक्लिक पढ़ना हो तो चैप्टर नंबर 3 पढ़ने पड़ेंगे, बायोमोलिक्यूल पढ़ना हो तो ये पढ़ना पड़ेगा, नेचुरल प्रोडक्ट पढ़ना हो तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब दिस इज द
टॉपिक एंडेड फॉर जेम। तो ये चीजें हैं, तो जो सेल्फ स्टडी यानी हेटरोसाइक्लिक पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी काम आएगा, है ना बच्चों, समझ गए मेरी बात को। तो ये कहानी जैम की स्टोरी की है बच्चों, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब लास्ट दो तीन चैप्टर है, जरा उसको भी देख लो नेट वाले बच्चों। अब जैम वाले बच्चों, तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया है, पर रुक जाओ, भागना नहीं, क्योंकि एमएससी तो कर ली है ना, उसको थोड़ा सा देख लो, अभी से नोट कर लो, आगे काम आ जाएगा आपका। नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन। बस अब कुछ तीन चैप्टर्स बचे हैं, उसके बारे में बात कर लो, उससे पहले थोड़ा सा बातचीत हो जाए आप लोगों से। तो आजकल लॉकडाउन कैसा बीत रहा है आप लोगों का? एवरीथिंग इज गोइंग गुड? नोट इट डाउन। सर पाव्या पूरी पढ़नी है सर स्पेक्ट्रो के लिए। अगर आप नेट के बच्चे हैं, पाव्या पूरी तो नहीं पढ़नी, जैसे जैसे जो जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनएमआर, वो सब थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो ड्यू टू माई फीलिंग्स एंड लव फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज इंक्रीज मैनी फॉल्स, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। ओके फाइन सर, आईओएस के लिए कल आएगी सर, आईओएस। हाँ बच्चों, अभी है वो एंड्रॉयड के लिए है। ऐप के बारे में मैं प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा, है ना, ठीक है। कोई जो दिक्कत आपको आ रही है सर, ड्यू एग्जाम्स कब होगा, एनी आइडिया? अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, पर आपको सेप्टेम्बर में ही मुझे लगता है एग्जाम हो पाएंगे सर, है ना, सेप्टेम्बर में ही। ओके ठीक है, फाइन। 218 लाइक होगा सर, ओके थैंक यू, सब आप लोगों का प्यार है सर। हाँ से पूरी तरह फंस गया है काम हमारा, हाँ भाई थोड़ा सा काम तो सबका फंस गया है, 10-15 डेज से पढ़ाई नहीं है सर, पर कुछ सजेस्ट करिए। अरे कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं है तो क्या हो गया यार, आप लगे रहो, मतलब कहीं भी फंसे हो लेकिन लगे रहो, उसको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। कहते हैं ना, जब हम लोग पूरी तरीके से दौड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट हम लोग थोड़ा 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 आगे बढ़ते रहें, है ना। मैं भी देखो, मैं भी फंस गया था लॉकडाउन में, क्लासरूम में मैं नहीं जा पा रहा था, घर में ही सब सेटिंग कर लिए, पसीने में डूबा हुआ हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना सर। लैपटॉप कल मैं सब ऐप के बारे में सब कल बताऊंगा, ठीक है, कल मैं ऐप के बारे में पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। यू आर एनएमआर मास पाव्या में है, डेफिनेटली है, सब है, पाव्या बुक ही पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बनी हुई है, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा है जैम वाले बच्चों, तुम लोगों को इतना चैप्टर्स पढ़ना है। तो आई थिंक आप लोग जैम वाले जो बच्चे, नेट वाले बच्चे रुके रहो, जो जैम वाले बच्चे हैं वो लोग बोल रहे होंगे सर इतना एक घंटे का वीडियो आपने बना दिया, इतना कौन पढ़ेगा, ओके है ना। कमेंट नहीं करना, अब आप नहीं पढ़ते हैं कमेंट डीयू बैचू के लिए। हाँ हाँ बता बता क्या पूछा सवाल, में भूल गया सर। स्टीरियो केमिस्ट्री पेरिसाइक्लिक पूरा पढ़ना है सर, हाँ 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 हाँ। जैम वालों के लिए पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्लेडन से जैम के लिए नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है जैम के लिए। मैं आप लोगों को जो जो टॉपिक बताऊंगा ना वो पढ़ना, ठीक है बच्चों। सर व्हाट्सअप ग्रुप बना दीजिएगा आप, अपने ऑर्गेनिक के डाउट इजली सॉल्व हो जाएंगे। हाँ पक्का पक्का ग्रुप बनाऊंगा मैं, ऑर्गेनिक के डाउट सॉल्व करेंगे यार, सब मिलके सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है ना बच्चों। तो लास्ट 5 मिनट्स मुझे दो, ताकि मैं ये खत्म कर लूँ, फिर आपसे थोड़ा बात कर लूंगा, है ना, जो काम के लिए मैं आया हूँ पहले वो काम कंप्लीट कर लूंगा। सर लाइव की टाइमिंग यही रहेगी, लाइव की टाइमिंग 7 o'clock, देखो भैया 7 और 8 के बीच में रहेगी, है ना, 7 या 8, ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगी। आप लोग रेडी रहना, माइंडली प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। सर डी यू बी एच यू की क्लेडन का सिलेबस हो गया? हाँ हाँ हो गया क्लेडन का सिलेबस, इतना पढ़ ले, इतना पढ़ पाएगा तो पागल है क्या। सर हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस पर भी आएंगे आएंगे इस पर भी आएंगे, क्योंकि 7 o'clock आप अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग जरा बताइए तो आप कितने। हाँ मैं आपको शेड्यूल ही बताऊंगा, पर आप लोग कंफर्टेबल, सब बच्चे बोलेंगे सर शाम के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तुम तो बोलते रहोगे पता नहीं क्या क्या, है ना, समझ गए। सर आफ्टरनून में कर दो यार, आफ्टरनून में सोने का टाइम होता है यार, ऐसे कैसे कर दें सर। 8-7 यही टाइम सही है सर, 8 बजे, हाँ सब लोग 8 बजे कह रहे हैं क्या, ठीक है 7-8 जो भी है फ्लेक्सिबल टाइम होगा। मेनली मेरा जो पर्सनल है वो 7 o'clock है सर, प्लीज़ इंग्लिश यार, तो पहले बोल देता यार, मैं इंग्लिश में बोल भूल गया मैं आज तो है ना। तो आप मुझे बताइए कि मैं कितने बजे क्लासेस स्टार्ट करूँ, आप अपने टाइम से बताइए, तभी तो नींद से बचेंगे सर। हाँ सुबह, अरे सोना का टाइम हो जाता दोपहर में यार, है ना भाई, क्यों। तो मैं ठीक है बात करता हूँ आपसे, बस 5 मिनट्स मोर, प्लीज़ 5 मिनट्स मोर। अब सुनिए जैम वाले बच्चे, तुम अब भागना चाहो तो भाग सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है, तुमने इतना पेशेंस दिखाया, मैं तो कभी दिखाता भी नहीं, इतनी देर तक कौन पढ़े, लेकिन आपने पेशेंस दिखाया, थैंक यू सो मच। मैं अगर आपकी जगह होता तो अब तक तो मैं भाग गया होता, बोले सर क्या बोल रहे हो यार, इतना कौन पढ़ेगा। ठीक है ठीक है, ओके फाइन। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा लास्ट पॉइंट, लास्ट टू पॉइंट जरा देखो बच्चों, बस थ्री पॉइंट्स में बता रहा हूँ, उसको जरा देख लेना। जैम वाले बच्चों आपका ओवर हो चुका है, आप आराम से अब चाहते हो तो किसी दूसरे टाइप पे जा करके आराम से कुछ हंसी मजाक की वीडियो देख लेना, फाइन ओके ठीक है, वेरी गुड। जो जाना चाहते हैं उसको बाय बाय बोल देता हूँ मैं, अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, पर टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय जैम वाले बच्चों। पर नेट वाले बच्चों बी देयर। अब सुनो, तुम्हारे लिए तीन चैप्टर क्लेडन ने और बना रखी है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस। मैं ना पूरा समझ लो ये सब टॉपिक में पूरी क्लेडन से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आप इसको पहले से पढ़ के रखना, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक के भरोसे हैं, उनको तो चलना पड़ेगा, उनको तो है ना, समझ गए बात, उनको बिल्कुल चलना पड़ेगा। तो एक बात देखो, रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस आपको पढ़ना है, दैट इज द चैप्टर नंबर 30, जिसमें आप रेट्रो सिंथेटिक का मतलब समझते हो, रेट्रो मतलब जहां पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिएक्टेंट, इसी को तो बोलते हैं ना रेट्रो। रेट्रो मतलब उल्टा चलना, कि अगर मैंने जैसे अल्डोल रिएक्शंस पढ़ाई है, तो अल्डोल रिएक्शंस अगर मैंने पढ़ाई है तो उल्टा चलेंगे तो उसको बोलेंगे रेट्रो अल्डोल, सिंपल है। जैसे मैंने डिल्स अल्डर रिएक्शंस पढ़ाया है तो बाकी अगर करेंगे उल्टा करेंगे तो उसको बोलेंगे रेट्रो अल्डोल। जैसे आपसे कोई पूछे कि अगर मुझे ये मॉलिक्यूल बनानी है, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल बनाना है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, तो दिस इज द रिएक्शन, इसको उल्टा चलेंगे, और उल्टा चलने के बाद यहाँ पे देखो जरा, कुछ इसी तरीके का मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा, यानी ये। तो अगर तुम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाते हो ना, इसी को बोला जाता है रेट्रोसिंथेसिस, कि अगर प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट कैसे तैयार किया जाए। फाइन, सिंपल है, लफड़ाच नहीं है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है इसमें, डरना नहीं इनसे, बहुत लोग डर जाते हैं, डरने की क्या बात है। नहीं, देखो बच्चों, अगर मान लीजिए रेट्रोसिंथेसिस में, अगर मान लीजिए मेरे पास ये प्रोडक्ट दिया गया है, दिस इज द प्रोडक्ट, और आपसे पूछा गया इसके लिए रिएक्टेंट क्या होगा, तो अगर आप पढ़ोगे तो देखो, ये अगर तुम रिएक्टेंट पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इसके रिएक्टेंट क्या होगा। तुम ही बताओ, ये रिएक्टेंट कुछ इस तरीके का हो सकता है ना, इसको क्या बोलते हैं, डील्स अल्डर रिएक्शंस बोलेंगे। तो अगर तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किया और जाओगे तो रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट जाना क्या बोलेगा, डील्स अल्डर। लेकिन अगर तुम्हारा प्रोडक्ट है और तुम रिएक्टेंट की ओर आ रहे हो तो इसको क्या बोला जाएगा, रेट्रो डील्स अल्डर रिएक्शंस, तो है ना। तो रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस बहुत कहानी है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको तुम्हारे चैप्टर में कैलेंडर ने बहुत तहजीब से सिखा रखा है, तो सीखने की कोशिश करना। चैप्टर नंबर 30, नाम है रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस, ठीक है बच्चों, गुड, गोइंग गुड ना, चलिए वेरी गुड। अब रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के अलावा बच्चों हमें जो काम करना है वो क्या करना है, जरा देखो बच्चों यहाँ पे, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बाद असिमेट्रिक सिंथेसिस, ठीक है बच्चों, असिमेट्रिक सिंथेसिस पढ़ना है, और ये चैप्टर नंबर 45 पे है। तो असिमेट्रिक सिंथेसिस में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उससे पहले अगर आप ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब एसिमेट्रिक सिंथेसिस जब हम लोग पढ़ेंगे, याद करो वो अंतिम पल होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें हम लोग टिपिकल मॉलिक्यूल्स को लेके चलेंगे, तो आप आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हो, अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़ के रखोगे तो मजा आएगा। तो क्लेडन की तरह ही हम लोग चलेंगे, जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया ना, समझो हम क्लेडन की तरह ही चलने वाले हैं। फाइन बच्चो, अब देखो इधर, यहाँ पे है, अब इधर देखो बच्चो, ऑर्गेनो, ये तुम्हारा एसिमेट्रिक सिंथेसिस है, लास्ट टॉपिक ऑफ क्लेडन जिसको आपको पढ़ना चाहिए। इधर देखो बोर्ड पे देखो, सब लोग कमेंट करना बंद करो, इधर बोर्ड पे देखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर लास्ट टॉपिक है जो क्लेडन ने आपको पढ़ाना चाहती है, क्लेडन कहती है भैया आओ और पढ़ो थोड़ा सा, है ना, क्लेडन कहती है भैया थोड़ा आओ और पढ़ते जाओ। तो देखो लास्ट टॉपिक है क्लेडन का, जिसमें हम लोग बात करते हैं, इधर बच्चों देखो, इधर बोर्ड पे देखते चलो, अरे तुम अपने में चैटिंग करना बंद करो, इधर देखो बोर्ड पे, यहां पे हमारा सवाल क्या होगा, इधर देखो, यानी हमें ऑर्गेनो मेन ग्रुप एलिमेंट की अगर बात करें, यानी मेन ग्रुप एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया, है ना, मेन ग्रुप एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, वीडियो सही चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्गेनो मेन ग्रुप
प्लीज लास्ट टॉपिक है, नहीं ये एग्जाम में बहुत परेशान करता है और नेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। जैसे इसमें आपका एक चैप्टर है, ये एक नाम भी है, देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम है, इसको मैं लिख रहा हूँ, और मेन ग्रुप केमिस्ट्री पार्ट वन।